मनासा में विगत दिनों दिनेश राठौर प्रदेश सचिव आईटी सेल का अपहरण कर उनके साथ मारपीट की गई। उनका मोबाइल व नकदी भी लूट लिए गए। उनको मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया गया। इसकी जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मनासा में कांग्रेस के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। थाना प्रभारी व विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद 5 लोगों के खिलाफ केस कायम हुआ है। वहीं दूसरी ओर भाजपा मंडल महामंत्री ने भी एक रिपोर्ट मनासा थाने पर दर्ज कराई है व दिनेश राठौर पर हरिजन एक्ट में कार्यवाही की मांग की गई है। इनके समर्थन में विधायक माधव मारू आ गए हैं। अनेक कार्यकर्ता पुलिस एसडीओपी कार्यालय पहुंचे और दिनेश राठौर पर कार्यवाही की मांग की, जिस पर से मनासा पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पुलिस ने विधायक के दबाव में झूठा केस कायम किया है व मनासा टीआई अपराधों के प्रश्न घेरे में है, जहां पर इसी के विरोध में जिला कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, साथ ही में प्रदेश सचिव उमराव सिंह गुर्जर, जिला महिला कांग्रेस आशा सांभर और मंगेश संघई, साथ ही में चंद्रशेखर पालीवाल, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल विजयवर्गी और पूर्व अध्यक्ष इंदर मलपामेचा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीमच पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दिया व दिनेश राठौर पर कायम फर्जी केस का खात्मा करने व आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर एक ज्ञापन भी दिया गया। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए मनासा से सबीर बोहरा की रिपोर्ट।